हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है नुपुर और आज हम बनाने जा रहे हैं वॉफल्स। आज हम इसे बिना किसी मशीन की मदद से ही बनाएंगे और एक्लेस बनाएंगे, तो देखते रहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ बटर। ये रूम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए जिससे कि अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। ऐड करेंगे आधा कप मिल्क। इन दोनों चीज़ों को तब तक मिलाते रहेंगे जब तक हमारा बटर अच्छी तरीके से मेल्ट नहीं हो जाता। ऐड करेंगे 1/4 कप पिसी हुई शक्कर। आप चाहें तो नॉर्मल शक्कर भी ले सकते हैं, बट पिसी हुई शक्कर लेने से जल्दी घुल जाती है। अब ऐड करेंगे 1/2 कप मैदा। तो आधा आधा करके इसमें मिलाती हूँ जिससे कोई भी लम्प्स फॉर्म ना हो। अगर हमारा बैटर थोड़ा थिक हो गया है तो इसमें डालेंगे हम दूध। दूध भी रूम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए। आपके बैटर की कंसिस्टेंसी भी ऐसी ही होनी चाहिए। अगर ये बहुत ही थिक है तो आप इसमें थोड़ा मिल्क मिलाइए, अगर बहुत ही पतला है तो इसमें थोड़ा सा मैदा मिलाकर इस तरीके की कंसिस्टेंसी लेके आनी है। अब ऐड करेंगे 1 पिंच बेकिंग सोडा एंड 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। जैसा कि मैंने कहा कि आज हम इसे बिना किसी वॉफल मशीन की मदद से बनाएंगे, तो आज हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अप्पम मेकर, जो कि सभी के घरों में बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है। हमारे अप्पम मेकर को हाई हीट पर रखकर इसमें जो भी हमारा बैटर बनाया हमने उसे इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बैटर को अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमें हमारे अप्पम मेकर को थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते रहना है जिससे कि जो हीट है वो हर एक साइड पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती रहे। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद हमारे वॉफल रेडी हैं। इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो आज मैं इसे कोन का शेप दे रही हूँ। इसे इस तरीके से कोन का शेप देकर आप किसी भी ग्लास या फिर कप में रख सकते हैं, जैसा कि मैंने रखा। अब इसके ऊपर आप आइसक्रीम या फिर चॉकलेट या फिर चॉकलेट सिरप, जो भी आपको डालना है अपने मन के हिसाब से डाल सकते हैं। आज मैंने इसे गार्निश किया है होममेड वनीला आइसक्रीम, चॉकलेट्स एंड हनी के साथ। तो अभी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगी।